चलो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। क्या नाम है इसका? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है ना, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और तुम्हारी लाइफ में पहली बार आ रहा है 10th क्लास में, इसीलिए इसका नाम है इंट्रोडक्शन, है ना? क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री से तुम्हारा परिचय हो रहा है। अब परिचय हो रहा है तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना? शुरू से छोटी छोटी बातों को सीखते हुए, जहां भी डाउट रहे पूछ लेना, वरना फिर एक बार डाउट होगा तो डाउट बनता चला जाएगा। ठीक, डाउट को बनने ही मत देना, क्लियर कर लेना, हर चीज को समझना। देखो ट्रिग्नो नाम से ही पता चल रहा है इसके कि तीन की बात हो रही है। ट्रिगोनो, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना? TER Y है ना, ट्रिग्नोमेट्री, वो मैट्री है ना, ऐसे चल रहा है। देखो कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो स्पेलिंग, है ना? इसके अंदर देखो तीन शब्द छुपे हुए हैं, इसमें छपे हुए हैं तीन चीज। पहले तो आ रहा है ट्राई, ट्रिगोनोमेट्री, हाँ इसमें ही नहीं आता भैया। अरे कोई बात नहीं, स्पेलिंग में कुछ नहीं आता, ध्यान से करना। ट्रिगोनो हो गया, अच्छा ट्री हो गया, फिर गोनो, ट्रिगोनो हो गया ना, और तीसरा इसमें छुपा हुआ वर्ड है मेट्रॉन, ठीक है ना? मेट्रॉन से मैट्री बना है, है ना? मेट्रॉन, देखो ध्यान से, ट्राई का मतलब होता है थ्री और गोनो का मतलब होता है साइड्स, थ्री साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट, MESURENT, मेजरमेंट। यानी अगर इन तीनों को मिला दें तो मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स इन ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना? यानी हम यहां से ये कह सकते हैं कि मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड, थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के तीन साइड का मेजरमेंट हमें करना है, समझे? और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना? ट्रायंगल विद रिलेशन ऑफ, है ना, क्या लिखा है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन रिलेशन विद एंगल, इन रिलेशन मतलब क्या होता है? संबंध, रिलेशन विद एंगल। भाई ट्रायंगल में क्या तीन साइड होते हैं और एंगल होते हैं, तो उन तीन साइड का एंगल के साथ क्या रिलेशन है उसका पूरा मेजरमेंट पढ़ना है, ठीक है ना? तो अपन इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, नया कुछ भी नहीं है। देखो आपने पढ़ा था ना 9th क्लास में लाइंस एंड एंगल चैप्टर, ट्रायंगल्स भी पढ़ा बनाया था उसमें, हाँ। और अभी हमने 10th में ट्रायंगल नहीं पढ़ाया है ना, ट्रायंगल पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि ना जो ट्रायंगल है 6th चैप्टर वो हम उसको रटते बहुत है ना, उसमें रटाओ चीज़ें बहुत सारी हैं, तो अपन उसको रटाओ को ना बाद में सीखेंगे, हम उन चैप्टरों को बाद में पढ़ाते हैं बच्चों को जो रटाओ वाली चीज़ें इसमें है, ठीक है ना? तो अब हमको देखो यहाँ पर करना क्या है, हमारे पास जो ट्रायंगल होगी इस चैप्टर में सारे राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, ठीक है ना? इवन हम ट्रायंगल जो ना ट्रिग्नोमेट्री किसी भी प्रकार के ट्रायंगल में लगा सकते हैं, सब में लगा सकते हैं, लेकिन अपने जो 10th लेवल का कोर्स है उसमें केवल और राइट एंगल ट्रायंगल में लगाएंगे, ठीक है ना? राइट एंगल क्या होता है पता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का होगा, ये हमारा हो गया ट्रायंगल, जिसको अपन नाम देते हैं ए बी, ये हमारा राइट एंगल हो गया सी, ये ट्रायंगल, ठीक है ना? सुनते चल जाओ। अब देखो ये साइड है, अब इसमें ये एंगल और ये एंगल क्यूट नहीं होंगे, क्यूट नहीं होंगे मतलब एक्यूट होंगे, है ना भाई? क्यूट एंगल होते हैं, ये क्यूट है, ये क्यूट नहीं, एक्यूट एंगल है। दो तरह के लोग होते हैं, एक्यूट लोग, एक्यूट लोग,
हम एक्यूट लोग में आते हैं, ठीक। चलो आ जाओ, कुछ क्यूट लोग में आते हैं। एंगल बी जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, और जो एंगल सी होगा वो 90 से लेस होगा, पक्की बात है ना। और जो एंगल ए होगा वो भी 90 से लेस होगा, इसीलिए हम इसे कहते हैं एक्यूट एंगल। यानी एक्यूट एंगल का रिलेशन विद साइड, विद साइड हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, यानी कि रिलेशन ऑफ, रिलेशन ऑफ एक्यूट एंगल, एंगल सी एंड एंगल ए, एंगल सी एंड एंगल ए, रिलेशन ऑफ एक्यूट एंगल सी एंड ए विद साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं हम इसको, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल, है ना, साइड्स ना, ये रिलेशन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और इसको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एंगल के साथ में क्या होगा, रिलेशन होगा किसका, साइड का, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल, है ना, ऑफ रेशियो एन नहीं आएगा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल। आ जाओ अब यहां तुमको दो चीज हम सिखाएंगे। हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, कितनी होती है, टोटल 6 होती है, कौन कौन से होती है सब बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा, ठीक है ना। तो हेडिंग लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वही तो बताऊंगा सब के का क्या करना होता है इसमें, सुनते जाओ धीरे ध्यान से। छप गया नहीं छपा अभी, बराबर से छापो जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। बिल्कुल बेसिक से ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से, जिसको आगे मैथ्स पढ़नी है ना वो यहाँ बेसिक बहुत अच्छे से सीखे। पूरा मैथ 11 12th का ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है, और 12th का तो 90% चैप्टर ट्रिग्नो पर भरा हुआ है। ट्रिग्नो जिसका नाम नहीं है ना ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी लग रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री सब लोग। अच्छा अब तुम आगे, क्योंकि अब जो बच्चे बायोलॉजी भी लेंगे वो खुश ना हो जाओ कि मैथ नहीं पढ़नी, तो इनसे पीछा छूट जाएगा, फिजिक्स में घुसा पड़ा ट्रिग्नोमेट्री, इसके बिना चलता नहीं वो भी, ठीक है ना। मतलब मोस्ट ऑफ द चैप्टर में लगता है ट्रिग्नो, ठीक है ना, फिजिक्स में भी तो इसका बहुत बड़ा रोल है ना, रोल प्ले होता है। छाप लो उसमें, पढ़ते हैं आगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो, अब हम फटाफट से बात करते हैं, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं मेरे पास, बनाना पड़ेगा। तो हेडिंग लिखा जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगला हेडिंग जो बनेगा इस चैप्टर में। ये मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, मैंने कहा ना मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज में जाता ही नहीं, और पहले मैं तुमको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नो अच्छा छोटा हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक। देखो ये तो तुम्हारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने जो साइड होता है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है। और जो बाकी दो बचे उसमें एक बेस होगा एक हाइट होगा, अब कौन सा बेस कौन सा हाइट होगा वो अब बताते हैं। नहीं जरूरी नहीं कि बेस हो, ये हाइट भी हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, ये भी हाइट हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन कौन होगा सुनो, ये हमारा एंगल है ना, ये हमारा एंगल सी है, कौन सा एंगल, कौन सा ये हमारा एंगल सी। अगर हम एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये कौन होगा, परपेंडिकुलर, ध्यान रखना एंगल सी के रिस्पेक्ट में ए बी होगा परपेंडिकुलर, ये होगा तुम्हारा बेस। अगर हम एंगल ए को देखेंगे तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में
जो हमारा BC होगा ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हमारा बेस। जो यहाँ पर 90% बच्चे इसमें गलती करेंगे तुम्हारे लेवल का कि इसमें परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। अगर हम ए पर बैठ जाएं सर्फ के ऊपर तो हम एंगल ए लेंगे, मतलब एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ठीक है ना। और अगर हम सी पर बैठ जाएंगे तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में ये कौन होगा और ये बेस। हम जौन सा एंगल लेंगे ना उसके सामने कौन होता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ध्यान रहेगा सबको। अगर हमने कहा एंगल ए के रिस्पेक्ट में बताओ तो ये परपेंडिकुलर होगा बी से, अगला बेस अब ऑटोमेटिक तो बी नहीं लेंगे कभी भी, बी तो 90 डिग्री है ना, तो ये हमारा हाइपोटेनियस है। हमें इस एंगल का मेजर नहीं पता कितना एंगल डिग्री है, ठीक है ना, वो हमको देगा बाद में। तो हाँ, तो अपोजिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, साइड अपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर। एंगल के अपोजिट जो साइड होगा, एंगल कौन सा है जो आप लोगे, बी को छोड़ दो, राइट एंगल को छोड़ना है, उसको कुछ नहीं करना। साइड अपोजिट टू एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब देखो, अगर आप सी लोगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, परपेंडिकुलर ना, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखो ऐसे लिखेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना। आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बहुत जगह सा, परपेंडिकुलर सिंपल होता है, ठीक है ना। सी पर बैठ गए, सामने कौन है, ए बी, ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस जाएगा अपना। अगर आप यहाँ पर बैठ गए तो सामने कौन हो गया, बी सी, बी सी परपेंडिकुलर, है ना। अभी मैं लिख के सब दिखाऊंगा कुछ, पहले आप रेशियो पढ़ो। तो पहली रेशियो निकल के आती है साइन, ठीक है ना, साइन। अब साइन का मतलब पाप होता है, क्या होता है, लेकिन हम इस साइन के रिस्पेक्ट में एंगल लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एंगल को यहां पर दिखाया गया है थीटा से, इसको बोलेंगे अपन थीटा, क्या बोलेंगे, थीटा एक सिंबल है, ठीक है ना, जैसे अल्फा बीटा आया था ना, ये लैटिन सिंबल होते हैं, ऐसे ही अल्फा, सॉरी ये एंगल, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो अपन यहां पर कहेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा जो होता है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा साइन का होता है, उसके बाद दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कोसाइन, क्या होता है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको शॉर्ट फॉर्म लिखवा दूं इसका, शॉर्ट फॉर्म में साइन को लिखेंगे, देखो ऐसे ई नहीं लगाएंगे, ई हटा देंगे, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में साइन थीटा ऐसे लिखा जाएगा, पी अपॉन एच समझेंगे, ठीक है ना। दूसरा आ जाओ, फिर आता है कोसाइन, कोसाइन थीटा लगा देंगे, बिना एंगल के ना कुछ नहीं होता, ये थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। ये क्या थीटा, ये एंगल हो सकता है, सी भी हो सकता है या फिर कोई भी एंगल हो सकता है, ये हम फिलहाल थीटा लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर मतलब लिख दे रहा हूं, एंगल सी हो या एंगल ए हो, ये तुम्हारा थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो साइन थीटा, अच्छा जरूरी नहीं है थीटा ही आ जाए, यहां पर हम ए या फिर सी कुछ भी लिख सकते थे। कोसाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये तुमको याद रखने का ट्रिक बताऊंगा। कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कोस बोलेंगे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, कोस। कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में कोस लिखा जाता है, कोई भूलेगा नहीं, ठीक, जिंदगी की ही लड़ी है। बेस फॉर बी, हाइपोटेनियस मतलब एच। चलो ये हमारे कितने हो गए, दो रेशियो लिख दिए मैंने। तीसरा आता है टेंजेंट, टेन थीटा, ठीक है ना।
अरे भाई क्या हो गया, टेंजेंट TANGENT टेंजेंट थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में तुम्हारे मैथ में टेन पड़ेगा, टेन पढ़ेंगे इसको, टेन थीटा, ये हमारा होगा पी अपॉन बी, तीन, ये तीन का ही होता है मैन, तो बाकी जो आएंगे ना और तीन वो इसका रेसिप्रोकल होता है उल्टा, ठीक है ना। देखो चौथा, देखो चौथा कौन आएगा चौथे में, कोसेकेंट, फुल फॉर्म में कोसेकेंट लिखा रहता है, शॉर्ट फॉर्म में कोसेक पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मैं तुम्हें पहली बार पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में, तो फुल फॉर्म में बताऊंगा ना, फुल फॉर्म नहीं पता होगा तो तुम्हें कैसे खाली कोसेक कोसेक बोलते रहोगे। बहुत बार क्या होता है हम टेंजेंट बोल देते हैं, टेन नहीं बोलते, टेन थीटा नहीं बोलते, टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट थीटा। तो कोसेकेंट ANT ये, अच्छा तो एक साइन का उल्टा आएगा, हाइपो ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, ठीक है ना। तो मैं इसको हाइपो ऊपर परपेंडिकुलर नीचे कर दे रहा हूं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा कोसेक थीटा, तो एच अपॉन पी कर देना। पांचवा आता है सेकेंट, एस ई सेकेंट, ये थीटा, ये कोस का रेसिप्रोकल होता है, देखो कोस इधर है तो एच ऊपर बी नीचे, है ना, एच ऊपर बी नीचे। एक और रह गया कोटेंजेंट, सटा है कोटेंजेंट थीटा, ये टेन का रेसिप्रोकल होता है तो बी अपॉन पी होगा, बी अपॉन पी होगा। कोटेंजेंट को हम लोग सी ओ टी पढ़ते हैं थीटा, और बी अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है ना। बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, समझ आई तुमको बात। अब इनको याद करने का ट्रिक अच्छा वाला है, हाँ PBP अच्छा अपॉन HHB, देखो सब ये है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। नीचे आ रहा HHB, सबसे पहला तुम्हारा साइन का बनेगा, कौन बनेगा देखो, साइन कौन, तो साइन कौन होता है, पी अपॉन एच होता है ना। देखो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा नीचे लिखा है, ये पापा बीड़ी पियोगे, तो फिर बेटे ने पूछा, बेटा पापा कहता हाँ हाँ बेटा, तो फिर लाके देता है, तो तुम्हारी मर्जी है कैसे याद करो, ठीक है ना। अच्छा दूसरा वाला हमारे पास किसका आता है, देखो ये जो आता है बी और अपॉन एच, ये होता है कोस का, ठीक है ना। और जो एक और बचा इधर, इसका नाम क्या है, टेन, टेन का होता है पी अपॉन बी, समझ आई तुमको बात। अब सुन जो, अब सुनो, इसको पलट दोगे साइन वाले को, एच पर पी नीचे, तो कोसेकेंट यानी कि बनेगा कोसेक का। अगर बीच वाले को पलट देंगे एच पर बी नीचे तो कोसेक का बनेगा, और लास्ट वाले को पलट देंगे तो कोट का, ठीक है ना। क्या सेकेंड थीटा लिखा तो है, तो सेकेंड को शॉर्ट फॉर्म में सेक पढ़ते हैं, SEC सेक थीटा, है ना। अच्छा पांचवा शॉर्ट फॉर्म लिखा नहीं मैंने, अब लिख दिया है ना, छाप ले, हो गया। इसे कॉपी करो फटाफट से ना, फिर मैं तुम्हें इसको अप्लाई करना सिखाता हूँ कैसे करेंगे अप्लाई। तो इसमें थीटा ग्रीक लेटर होता है ना, ध्यान रखना, ग्रीक लेटर
थीटा, ठीक है ना, यूज्ड फॉर डिनोट द एंगल, एंगल को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, थीटा लिख दो इसको। और अब मैं तुम्हें मेजरमेंट समझाता हूँ कैसे होगा, लिख दिया इसको, चल जाए आगे छाप लो। अच्छा मैंने एल ए वाला लिख दिया गलती से, ग्रीक लेटर थीटा, ठीक है ना, छाप लो बराबर, चले आगे लिखो बराबर से, देखो आ जाओ। हाँ भाई पहला क्वेश्चन देखो, स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन तुम्हें कैसे मिलेंगे, कहा कि टेन थीटा या फिर कह लो टेन ए, ए मतलब एंगल ए को होगा, ठीक है ना, टेन ए इक्वल टू है 4/3, ठीक है ना। और हमसे बोला कि जो भाई सुनो, छह रेशियो होती है ना, छह में से एक ही तो आपको मिला हुआ है, बाकी पांच कौन कितने के हमको निकालनी है। तो फाइंड अदर फाइव, क्वेश्चन लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तुमको एक तो पता है, बाकी छह तुम्हें निकालने हैं। सुनो देखो क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, इसको हम नाम देंगे इधर ए, इसको बी और इसको सी, ठीक है ना। देखो एंगल ए ये वाला है ना, एंगल ए ये मतलब इसकी बात कर रहा है, इसकी बात हो रही है। अगर ये है ए तो बताओ ये क्या होगा, परपेंडिकुलर ये नहीं होगा, और बस बेस तुम्हारा ये हाइपो तो वही रहेगा, ठीक है। अब देखो टेन थीटा चोल्ड क्या होता है, पी अपॉन बी, टेन थीटा, यहां पर थीटा मत करना, ए करना, ए है ना, ये तो ए लिखेंगे, 4/3 जो कि पी अपॉन बी के इक्वल होता है, तो पी हमारा 4 हो जाएगा और बी हमारा 3 हो जाएगा। हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है ना, तो पाइथागोरस, पाइथागोरस से हाइपोटेनस निकालेंगे पहले, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बताओ क्या होता है, पढ़ा था ना इसमें, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइपोटेनियस तो AC है, तो AC का स्क्वायर कर लेंगे, और परपेंडिकुलर हमारा कौन है, BC, तो BC का स्क्वायर प्लस बेस हमारा है AB का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ तुम्हें कोई हार्ड लग रहा है नहीं ना, फिर अच्छा AC कितना है तुमको नहीं पता, फाइंड आउट करना है, तो AC हमको फाइंड आउट करना है, AC स्क्वायर इक्वल टू, बी सी बताओ कितना, देखो BC हमारे पास है 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर, 16+9=25, स्क्वायर रूट निकालोगे तो हाइपोटेनस तुम्हारा आ गया कितना, 25 का स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस 5 आएगा ना, तो हम माइनस वाला नहीं लेंगे, साइड कभी माइनस में नहीं होता, आप जब रूट से बाहर निकालते हो तो किसमें माइनस में आता है ना, और प्लस में भी आता है, तो कोई एक लेंगे यहाँ पर, कोई एक क्या माइनस वाला नहीं लेंगे, तो ए इज को ए सी इज इक्वल टू आप लोगे 5 ओनली, साइड कैन नॉट नेगेटिव है। तो अब हमको पहले क्या निकालना, टेन तो दे रखा है, साइन निकालो, साइन ए परपेंडिकुलर कौन है बताओ, बी सी, और हाइपोटेनस कौन है, ए सी, तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई, 4/5, ठीक है ना। ऐसे ही कोस ए की निकालोगे तो बी अपॉन एच होता है ना, तो कोस ए इक्वल टू बी तुम्हारा 3 और एच हमारा 5, ठीक है, फटाफट से खुद निकाल लो बाकी जो बचे हैं, ठीक है, इसे कॉपी करो पहले जल्दी से, कॉपी करने के बाद में ट्राई करो बाकी। देखो भाई 5 निकालने थे, 2 निकाल दिया, 3 आप निकालो, को सेकेंड सेकेंड और कोट निकालो जल्दी से, तो ये हो गया ना सबका पांचों, बताओ मुझे कितना कितना आया है।
इसमें तो करवाना पड़ेगा ना। चलो कोट का बताओ पहले, ये लगा दूं पहले ए। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 3/4। अच्छा फिर कौन आया बताओ, कोसेक, कोसेक ए। साइन का रेसिप्रोकल 5/4। फिर आता है सेक, 5/3। इसका रेसिप्रोकल, अब जो 8.1 है ना, देखो सब में वही करना है, तीन चार क्वेश्चन में शुरू में है ना, साइन ए करना है, कैलकुलेट साइन सी। अच्छा सुनो एक बात और देखो, ए लड़की अगर हमें इसी क्वेश्चन में कहता कि आप साइन सी बताओ, क्या बताओ, इसी क्वेश्चन में तुमसे कहता साइन सी की वैल्यू क्या होगी, साइन सी। देखो सी कहा ना, एंगल चेंज वाला, तो जब सी ये वाला हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और बेस ये बनेगा, हाइपो वही रहेगा, ठीक है ना। तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी बताओ, परपेंडिकुलर 3/5, ठीक है ना, हाइपो हमेशा वही रहेगा, चेंज होगा। हाँ अब देख कैसे चेंज हुआ, तुमने कहा ना कैसे देखते हो आप, जब ए था ये तो साइन की वैल्यू कितनी हुई 4/5, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन जब साइन सी बोल दिया, एंगल चेंज हो गया ना, देखो ध्यान से एंगल देखो सी हो गया, तो अब ये होगा परपेंडिकुलर ये, तो 3/5 होगी साइन सी की वैल्यू। आई बात सबको समझ में, एंगल चेंज करने में वैल्यू चेंज होता है, ठीक है ना, ये सब ध्यान रखना। ऐसे कोस सी हमसे पूछता है इसमें, तो सी तुम्हारा ये है ना परपेंडी और ये बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो ये हमारा हो गया कितना 5, यहाँ लिख दो कितना 4 होगा ना, कितना होगा 4, ठीक है ना, सी रहेगा तो ऐसे करना। और टेन सी, टेन सी हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, ठीक है ना। तो 8.1 ना ट्राई करना घर पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारी 4 हो गए ना, जब सी एंगल लेंगे तो बेस हमारा ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, बता ना चेंज होता है अभी। 8.1 में ना फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, अगर तुम सेकंड नहीं कर पाए तो फर्स्ट 3 और 4 जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।